हे गाइस वेलकम। तो कल कई लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको गिट बैश को वीएस कोड के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, और मैंने आपको बताया था कि पाइथन वीएस कोड और गिट बैश कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैंने आपको कमांड लाइन के ट्यूटोरियल दिया था। बट कई लोगों का जो पाइथन का कोड है वो रन नहीं हो रहा गिट बैश में, एक एरर आ रही है उनके पास, पाइथन कमांड नॉट फाउंड। उस एरर को कैसे फिक्स करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं वो एरर क्यों आ सकती है। वो एरर इसलिए आ सकती है, हो सकता है आप जब पाइथन आपने इंस्टॉल की हो तो आपने ऐड टू पाथ वाला ऑप्शन ना सेलेक्ट किया हो। ठीक है, ये चेक करने के लिए आपकी जो पाइथन है वो आपके सिस्टम वेरिएबल में एडिड है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर की विंडो खोलनी है, नॉर्मल विंडो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे चेन सेटिंग्स में जाना है। चेन सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है। उसके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक है यूज़र वेरिएबल फॉर हर्षित, एक है सिस्टम वेरिएबल। इसमें यूज़र्स वेरिएबल फॉर हर्षित का मतलब क्या है? एक्चुअली मेरे लैपटॉप में दो यूज़र हैं, एक मैं हूँ एक मेरा भाई है। ये जो यो जो मैं अभी विंडो चला रहा हूँ ये मैं अपने अकाउंट से चला रहा हूँ, एक मेरे भाई का अकाउंट भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये वो वाले वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ मेरे मेरे अकाउंट के लिए हैं। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देखिए पाथ, पाथ नाम का एक यहाँ पे आपको दिखेगा वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल है पाथ नाम का, इसको आप एडिट कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या पाइथन का कोई पाथ है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पाइथन का पाथ एडिट है। ये मेरा, ये देखिए ये 32 बिट पाइथन का पाथ यहाँ पे एडिट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई पाइथन का पाथ नहीं दिख रहा तो आप क्या करिए, आप जाइए यहाँ पे सी में, उसके बाद सी के बाद आपको जाना है यूज़र्स में, उसके बाद अपने अकाउंट में, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐप डाटा में जाना है। और ये जो ऐप डाटा होगा ये हाइड होगा, इसको शो करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर व्यू में जाना है, और व्यू में जाके यहाँ पे हिडन आइटम को ऐसे शो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप डेटा, उसके बाद ऐप डेटा के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे लोकल, लोकल के बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स के बाद यहाँ पे पाइथन है। और यहाँ पे ये पाइथन है 64 बिट की और ये 32 बिट की। एक्चुअली जो मेरे विंडो है वो 64 बिट की है। जो 64 बिट वाली विंडोज़ होती हैं उसमें आप 32 बिट वाले प्रोग्राम भी रन कर सकते हो, तो इसलिए ये 32 बिट वाली पाइथन, ये 64 बिट वाली। और इसमें से कोई भी ओपन कर लीजिए, हो सकता है आपके कंप्यूटर में एक ही इंस्टॉल हो पर मैंने दोनों इंस्टॉल कर रखी है। उसके बाद आपको ओपन करके यहाँ से पूरा पाथ यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसी सिस्टम वेरिएबल में जाना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर देना है, ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद यही काम आप सिस्टम वेरिएबल के साथ भी कीजिए। हो सकता है कि आपका पाथ किसी और यूज़र के लिए सेट हो और आप कोई और यूज़र का अकाउंट चला रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी इसको एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐसे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए। इसको ओके करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद आपको करना क्या, अपना पीसी रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको वीएस कोड ओपन करना है। वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और पी। कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन, पाइथन के बाद लगाना है कोलन, कोलन के बाद लिखना है आपको सेलेक्ट इंटरप्रेटर। सेलेक्ट इंटरप्रेटर पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और सेलेक्ट इंटरप्रेटर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे कंप्यूटर में पाइथन 32 बिट वाली भी इंस्टॉल है, 64 बिट वाली भी इंस्टॉल है, और यहाँ पे एनाकोंडा भी इंस्टॉल है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में एनाकोंडा इंस्टॉल ना हो, ये कोई चक्कर नहीं है, मैंने ऐसे इंस्टॉल किया था। बट यहाँ पे आपको एक इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 32 बिट। ठीक है, 32 बिट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको इस वीएस कोड को फिर से रीलोड करना है, इसको बंद करना है और फिर से चलाना है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।